हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक बहुत ज़्यादा मज़े की ट्रेडिशनल रेसिपी है, आपने शायद ही आपके बचपन में खाई होगी, हमने तो खाई है पहले से, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाएं। बनाने के लिए हमें सबसे पहले आटा गूंदना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर 2 कटोरी आटा लिया है, आप जितना बना रहे हो उस हिसाब से आप ले सकते हो। साथ ही इसके अंदर हम नमक ऐड कर देंगे और उसके साथ ही हम थोड़ा सा इसके अंदर तेल ऐड कर देंगे। इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर हमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका आटा गूंदना है। आटा हमें कैसा चाहिए कि थोड़ा सा हार्ड चाहिए आटा, इतना सॉफ्ट नहीं चाहिए जैसे कि हम पराठा बनाने के लिए बनाते हैं। न ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा न ज़्यादा हार्ड रहेगा। तो इस तरह से आपको आटा गूंथ लेना है। आटा भी हमें थोड़ा सा ही लगेगा, ज़्यादा लगेगा भी नहीं, वैसे तो इसका 1 कटोरी में भी काम चल जाएगा। आटा मैंने गूंथ लिया है, अब हम इसे साइड पर रख देते हैं। अब हम करेंगे गैस ऑन, उसके ऊपर एक बर्तन रख देंगे। इसमें हमें घी ऐड करना है, तो घी आपको 2 चम्मच इसके अंदर डाल देना है और उसके साथ ही हम इसके अंदर कटा हुआ खोपरा, जो कटा हुआ सूखा खोपरा जो होता है कोकोनट, वो हम इसके अंदर टुकड़े मैंने किए हैं, इसके छोटे छोटे पीस किए हैं, आप चाहो तो इसे खिसकर भी ऐड कर सकते हो। तो वो बस हमें इसमें डाल देना है और इसे हमें गोल्डन होने तक भूनना है। अब हम इसके अंदर बादाम डाल देंगे। तो बादाम को मैंने यहाँ पर 1/2 में कट कर लिया है, वो हम इसके अंदर डाल देते हैं। ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है, आप चाहो तो ऐड कीजिए, वरना नहीं भी किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इसमें जाएगी सौंफ। सौंफ इसमें मेन इंग्रेडिएंट है, इसी से इसका जो फ्लेवर है वो एनहांस होता है और अच्छा लगता है। अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। तो पानी मैंने यहाँ पर 2.5 कप डाला है, आप अपने अकॉर्डिंग आपको जितना बनाना है उस हिसाब से आप डाल सकते हो। आपके घर में मीठा जितना खाया जाता है आप उस हिसाब से इसे बना सकते हो। अब हम इसके अंदर इलायची पाउडर ऐड कर देंगे, आप चाहो तो साबुत इलायची भी इसके अंदर डाल सकते हो। इसमें अब मेन इंग्रेडिएंट ये भी है कि इसमें गुड़ जाएगा, तो गुड़ मैंने यहाँ पर 1 कटोरी लिया है। जितना मिठास आपको पसंद है उतना ही गुड़ हमें डालना है, तो मैंने थोड़ा सा बचा लिया है। उसके बाद जब मुझे थोड़ा सा फीका लगेगा तो मैं फिर से इसके अंदर गुड़ डाल दूँगी। टेस्ट आपको करते रहना है कि मिठास आपको कितनी चाहिए, उस हिसाब से आपको इसमें गुड़ डालना है। जब तक कि हमारा मीठा पानी बॉईल नहीं हो जाता तब तक हम आटा गूंद लेते हैं। तो आटे को मैं मैश कर लूँगी क्योंकि मैंने इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था। हाथों की हेल्प से इसे अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से मैश करना है। अब मैं हाथों पर थोड़ा सा तेल ले रही हूँ और फिर से इसे मैं अच्छे से ग्रीस कर इसे फिर से गूंद लूँ। ये रेसिपी आप जब भी आपके घर में गूंदा हुआ आटा हो तो उससे भी आप इसे बना सकते हो। आपको पर्सनली इसके लिए कोई आटा गूंदने की ज़रूरत नहीं है, ये इजीली घर के आटे से ही बनेगी, तो आप एनी टाइम इसे बनाकर खा सकते हो। इसे हमें कितना हार्ड रखना है मैंने आपको दिखा दिया, तो अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। ये पूरा जो आटा मैंने गूंदा है ये इसमें पूरा सा यूज़ नहीं होगा, इसमें हमें 2 या 3 ही पेड़े लगेंगे। मैंने आटा ज़्यादा गूंदा है क्योंकि मुझे और ज़्यादा रेसिपीज़ बनानी थी, तो इसीलिए मैंने आटा ज़्यादा गूंदा है। बारिश हो और ऐसी रेसिपी खाने को मिले तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। बारिश में ये नॉर्मली मैं 8 दिन में एक बार ज़रूर बनाती हूँ, हफ्ते में ये ज़रूर बनता है मेरे घर में, तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। मैंने यहाँ पर एक पेड़ा ले लिया है, अब इसे हम बेल लेंगे। तो इसे हमें पतला और बड़ा बेलना है, जितना हो सके उतना हमें इसे पतला करना है। पेड़ा मैंने मीडियम साइज़ का ही लिया था, लेकिन इसे हमें बेलना ज़्यादा है क्योंकि इसे हमें पतला करना है। इस तरह से हम इसे बेल लेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क देंगे ताकि ये एक दूसरे को चिपकेंगे नहीं। जब हम इसे कट करेंगे तब ये चिपके नहीं, इसीलिए हमें आटा छिड़क देना है। अब हम इसे कट कर लेंगे, तो हम पहले इसे लंबाई में इसे कट कर लेंगे, उसके बाद इसे हम फिर से एक डायमंड वाला शेप देंगे। आप चाहो तो स्क्वायर में भी कट कर सकते हो, मैंने यहाँ पर डायमंड कटिंग की है इसकी, कुछ इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है और इसे हम अप साइड पर रख देंगे। इसी तरह से सभी पेड़े के हमें बना लेने हैं, जितना आपने पानी यूज़ किया है उतने बना लो और उसके बाद ही हम इसे यूज़ करेंगे। हमारे यहाँ पर इसे सुत्रिया कहा जाता है, आपके यहाँ पर
अगर आपके यहाँ पर ये रेसिपी बनती है तो इसे क्या कहा जाता है मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना, क्योंकि हर जगह हर एक रेसिपी का नाम अलग अलग होता है। हमारे यहाँ पे तो सुतरिया कहा जाता है। अब हम इसे क्या करेंगे, जो पानी हमने बना दिया था गुड़ का, उसमें हम ये जो कटिंग की है हमने आटे की, वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे हम उबलने देंगे। और तब तक हमें इसे पकाना है, हमें इसे तब तक कुक करना है जब तक कि ये आटा पक नहीं जाता, ये ट्रांसपेरेंट दिखने नहीं लगता, तब तक हमें इसे कुक करना है। इसे पकने में पूरा 10 मिनट का टाइम लगेगा, तो आप इसे चेक कर सकते हो कुछ इस तरह से आप एक लेकर, वरना आपको दिख जाएगा कि ये पक गया है। आप इस पे थोड़ा सा इसकी लीड लगा दो और उसके बाद इसे स्लोली पकने दो। इसका जो सूप है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और बारिश में गुड़ जो है वो गर्माहट पैदा करता है हमारे बॉडी में, तो इसीलिए ये ज़्यादा यूज़फुल है और ज़्यादा हेल्पफुल भी है हमारे बॉडी के लिए। तो अब हमारे जो सुतरिया है वो रेडी हो गए हैं, तो अब हम इसे सर्व कर लेंगे। आप देख सकते हो ये कितने अच्छे बने हैं और बहुत ज़्यादा ये खाने में भी मज़े के लगते हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। हमने इसे बचपन से खाया है, आपके यहाँ पर बनाते हैं या नहीं ये भी मुझे आप कमेंट कर ज़रूर बताना। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। स्टे ट्यून्ड विथ मी गाइज, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।